बैक टू अनदर ब्लॉग। सो ये है हमारा ट्विक्स जिसको मैंने अभी अभी किया है अडॉप्ट अपनी मासी के लिए। ये जाएगा हमारी मासी के पास, कुछ टाइम मेरे पास रहेगा, उसके बाद मेरी मासी के पास जाएगा। तो अभी इस टाइम पे ये है दिल्ली और मुझे इसको लेके जाना है हिमाचल। तो अब दिक्कत ये आ रही थी कि मैं इसको लेके कैसे जाऊँ। तो अभी हमारी गाड़ी थोड़ी बिजी थी इसलिए उसका अरेंजमेंट हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं इंडियन रेलवे के थ्रू ले जाऊँ। अब उसका पूरा प्रोसेस मैंने देख लिया है, बट यूट्यूब पर अभी तक कोई प्रॉपर गाइडेड वीडियो भी डाली नहीं है कि पेट के साथ कैसे ट्रैवल किया जाए। तो वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है पेट को लेके जाने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने अपनी और ट्विक की जो कि वहाँ पे है, देखो कैसे सो गया, इसकी टिकट करवा ली है। आज ही न्यू ओल्ड दिल्ली में गया हुआ था टिकट करवाने के लिए। अब कल मैं जाऊँगा इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करने न्यू दिल्ली। सो गाइस, मैं अभी आया था IRCTC की बिल्डिंग में। मेरे को जहाँ पे मैंने टिकट अपनी करवाई थी वहाँ पे बोला गया था कि आप इस बिल्डिंग में आना और यहाँ पे आके आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। बट अब हम यहाँ पे गए हैं तो इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन जो है आपको बड़ौदा हाउस में देनी है, जो कि एड्रेस है वो है ये वाला बड़ौदा हाउस का। ये मैं अभी डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, अब मैंने ऑटो लिया बड़ौदा हाउस जाने के लिए। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या है, वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आगे चल के पता लगेगा। सो गाइज, इस टाइम पे मैं आया हूँ बड़ौदा हाउस एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। एप्लीकेशन सबमिट जो है उन्होंने बोला था पहले न्यू दिल्ली होगी, बट न्यू दिल्ली के बाद उन्होंने बोला कि बड़ौदा हाउस में होगी। तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। अब देते हैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन, फिर देखते हैं। गाइज, मेरे को सुबह से काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए और ये मैंने पेपर ले लिया है एप्लीकेशन लिखने के लिए, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इनके मेरे को प्रिंटआउट्स निकालने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स के प्रिंटआउट निकालने के बाद मेरे को फिर से वहाँ पे जाना है बड़ौदा हाउस, वहाँ पे जाके जो है एप्लीकेशन देनी है सबमिट करवाने के लिए। और फिर देखते हैं, थक गया हूँ, वैसे सरकारी काम बहुत ज़्यादा थकेले काम होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे डॉक्यूमेंट के प्रिंटआउट्स निकाल लिए हैं, एप्लीकेशन भी लिख ली है और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बड़ौदा हाउस दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करवाने के लिए। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा। सो गाइज, मैंने एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दी है बड़ौदा हाउस में। अब देखते हैं क्या होता है। इधर वीडियो अलाउड नहीं है, बट मैं ऐसे ही थोड़ा टाइम आके प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने बाल ठीक कर रहा हूँ। वैसे वीडियो एप्लीकेशन लेटर मैंने सबमिट करवा दिया है। अब देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि मंडे को हो जाना चाहिए आपकी, क्योंकि मंडे की टिकट है तो मंडे को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद मैंने सोचा चलो आपको इंडिया गेट के दर्शन भी करवा दें। तो ये है हमारे पीछे इंडिया गेट, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना साथ में कैमरा, काफ़ी लोग ऐसे देख रहे हैं घूर के, पता नहीं क्या चीज़ है पकड़ी हुई है। ट्विक्स बेबी। सो गाइज, ट्विक्स की टिकट हो गई है बुक और उसका रिजल्ट जो है आ जाएगा मंडे को। और तब तक मैं और ट्विक्स करेंगे दिल्ली में एंजॉयमेंट।